बस ठीक है। गए भी लेट से। और सारे हम समाले तैयार हो गए, समाले प्याज भी हरी मिर्चा भी ते जरा सब्जी तो ना लगे तो फिर रख लिया सारा ते ऐड ग्रीन लहसुन लग के पर ये मैं काट लिया मैं कौन सी लहसुन दी सुना लहसुन दी बाहर वाले तो शुक्र है सलामत है नहीं अली पकता नहीं साहब का है पकता नहीं नहीं हमें कुछ चार दिन हो गए पकता है क्या लोगों का नाम होया कहीं है चार दिन लोगों के। अच्छा जी, ग्रीन लहसुन टमाटर प्याज हरी मिर्च साबत मसर उधर लियाना भुल गई चुल्हा पहले ही जा लिया लेकिन पत्ती भी खत्म हुई डब्बे चो भी लैके आनी तो उधरों मैं ना चीज़ा लियावा हाँ भी लिया के रख लिया दो ए बिल्कुल जरा ना खत्म हो गई है दो थीलियाँ बच्चे डब्बा फिर पानी है पहले मैं हम चुल्हा जा लवा तो इधर फिर साफ करके मसर उन्नी देर भेज लैनी उधर मैं विंडो खोलियाँ वो इधर तेल अच्छी तरह जो ना गर्म हो गया फ्राई करना पहले पहले ही ना मैं करके रखा हुआ प्याज पाते हरिया मिर्चा पाती हैं हल्के फ्राई करांगे प्याज नू नाल ही मैं ग्रीन लहसुन भी पा देना वा ये भी हो जाए मसर पे के रखेंगे प्याज हल्के फ्राई हो गए थे टमाटर पा देते हैं पिंच कर दिया तो उपर दलिया ढकना अच्छी तरह जो ना मसाला बन गया अच्छा जी मसाले पादिया पादिया ना टमाटर का हो जाना कम नेड़े नमक डब्बे पाने वाला फिर पानी मैं चाहे पाउडर मसाले की भी बनाई हो जाने नाल नाल गरम मसाला भी पाता कुटिया धनिया भी जा दड़ा मिर्च लाल मिर्च थोड़ी जी मिक्स करा ते नाल नाल पाउडर मसाले की बनाई हो जाए नमक डब्बे पास रख लिया वो ते हम मैं जब दाल भेज रखी सी साबत मसर ये पा लवो बस पाँच सात मिनट वास्ते मसाले दे विच भुनाई करनी है फिर असी मसरां नूं गलाने वास्ते ना पानी पा देंगे
अच्छा जी, मैं हम फिर मसरन गलाने वास्ते पानी पा दूँ, बिस्मिल्लाह दी बरकत। पत्ती जी मैं पा ली है डब्बे दे विच, ते टुके इन्हां ने चट लेना वा, नरम होण लग्गियां, मिक्स कर दी अच्छी तरह। मैं भी पानी पा दिए, पानी वो कम। चलो जी, पानी अच्छी तरह जरा पाता, मिक्स कर देना, ढक्कना दे देना, उत्ते पकता रहे। मैं हमने पहला लिया के आटा गुन लवा, फिर जरा मैं बिच उतों धनिया लिया के फिर पाऊंगी। अच्छा जी, दूध के पैसे देन जा रही हूँ, तो सालन उपर रखा वा, पकता रहे तो दुध के पैसे दें वा भाजी, उन्होंने बच्चे खेलन मालन दे। भाजी दी ना सौंफ ते धनिया ते दुध पा के अम्मा जी पीते होंगे ना, फिर इस करके ये मैं इतने नज़दीक रखा, चेता रहूगा। ठीक है ना, सालन नहीं तेन बन रहा वा, धनिया भी मैं तो लिया ही ओके रख लिया, कूड़ा भी सीटी आई हाँ, तो हूँ जरा ना पानी खुश्क हो गया, इतने रख लो इन, बस दाल की भाप बंद की है ना, अच्छी तरह जरा ना नरम हो जाए, बिल्कुल स्लो चूल्हा किया वा। ठीक है ना, तो हूँ मैं लव आटे वाली परात तो आटा गुन लव। मैं डब्बिया इतें रख दी हाँ, तो बाद चीज़ पा के भेजनी होंगी है ना। आटा छान लिया मैं उधरों, आटा छान के मैं लियाई हाँ, तो हूँ मैं गुन लूँ आटा, मखियो थोड़ी नानी मरे। अच्छा जी, असर दिया जाना होने वाली वा, 10-15 मिनट रह गए, छोटा बच्चा पा रहा पानी, कम से मैं होर पा के हटियाँ, चमचा ला के आटा गुन के रख लिया वा, सैट होंगे, रोटियां भी पका लें। एक बाल्टी पानी से लग गया छान, बाका के बाल्टी खोल लेना है, भर दी है भर के हटियाँ भी पा दें, थोड़ी देर हो जूगा फिर अम्मा जी और बाजरे रह जाएंगे। काकियां बाहर तिकर छुटकिया वा पानी की बाल्टी लैन, असी काके ने पकड़ना वा पानी, छान लग गया कहना है मम्मी लैके जाना, चलो पकड़ हूँ तेन ठंड पवे हूँ। राई चंगी धुप लग गई हली, वजू करके आंदे ना बाहर, फिर उत्थे अगे मंजा करते हैं, कड़ाके दी गर्म होई पई राई, हुण सुक गई, हुण इहदा तेल आ जिहड़ा असीं इस्तेमाल कर रहे हां सालन दे विच। बोतल काकियां ने पाती सी, भरनी ला गई सी। चलो जी, अच्छा जी नमाज पढ़ ली, कपड़े भी चेंज कर लिए मैं, देख ना इन्नी एक सूट मस्सी, मतलब एक सूट ना एक दिन मस्सी पानी आ, या एक सूट दिन दिन मैं दो सूट दिन पा लेनी होनी हाँ शुरू तो ही। मदना धो के लैके आई हाँ, दाल साड़ी नरम हो गई है, बस हूँ ये ना मदने की कमी है, मदना फेरेंगे असं साबत मसरां दे विच, देसी जुगाड़ साडा, आटा भी सैट हो गया, बस रोटियां धो लाने, अली कह रहे थे कि अज अफतारी नहीं बननी, अज सानू कल्ले खजूर नाल रोज़ा खोलना पैना, मैं तुसीं क्यों टेंशन लैने हैं। इस तरह ना तेज तो इस तरह ना मैं मिक्स कर लैनी हूँ, मोबाइल रख के मदना फेर लिया वा अच्छी तरह, तो हूँ असी इतने जी हरी मिर्च और साबुत धनिया और गरम मसाला पा के 3-4 मिनट वास्ते ना उपर ढकना दे देंगे। अच्छा मिक्स मिलिया मेट हो गई, बस 2-3 मिनट वास्ते ना उत्ते ढकना दे देने। जिंदाबाद माशाल्लाह, चल पर वाजो दे खीरे और खरबूजे भी पा, इको छापर
ਹਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਚਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਨਾ ਕਮਲੋ। ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਦੂਜਾ ਅਰੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਫਲ, ਉਹ ਨੀਲੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਗੋਲ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਢੱਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਟਨੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਚਣਿਆਂ ਦੀ? ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, 5:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਬਾਜੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਟੱਟ ਪਟੋਲੇ ਨਾ ਕਰ, ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੱਕੀ। ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਮਸੂਰ ਹੈ। ਚੱਲ ਦੁਪਾਤ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਫਰੂਟ, ਸਮੋਸੇ, ਫਰੂਟ ਚਾਟ, ਸਾਲਨ। ਆ ਬੰਦ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾ, ਆ ਬੰਦ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾ ਬਾਜੂ ਦੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਾਤਾ, ਪਰਾਤਾ ਦਾ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸਾਲਣ ਪਕੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਆਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਫੈਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੱਛਰ ਪਾਊ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਕਾਹ ਚੱਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਬੈਠਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਕਾਕਾ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਹੋਣੀ, ਬਿਸਤਰੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਬੂਟੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਏ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬੂਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲਏ ਨਾ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਏ। ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਜੀ, 6 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਬਸ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਸੁਬਹਾ ਦੁਪਹਿਰੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਕੁਛ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਦਿਨੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਬਹਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰਦਨ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆ। ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਗਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਸੂਨੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੱਦਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। मैं बाकी चीज़ें टेबल पर रखा, पानी शानी लस्सी। अच्छा चल तो आप ही रखें। सेवियाँ को नहीं पाइया ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਛੂਟਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ सारी चीज़ें मैंने ला के रख ली हैं, रोटी और जो मेरा चीज़ें लेके आई थी बाज़ार से, सालन, खजूरें, कंटेरियाँ, और मेरा बना लिया दूध सोडा शुगर फ्री बोतल के साथ। इफ्तारी का टेबल माशाल्लाह रेडी हो चुका है। ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह पाक खैर रखे। भी जब हर रोज़ा इफ्तार होता है तो हम भी अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।